हमारे सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय मौजूद है पिपराड़ी मुख चौक पर। तो ई रिक्शा की अगर बात कही जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं ई रिक्शा जो चल रहा है, जो यहाँ हमारे सामने एक मजदूर है जो दिल्ली से चल के आया है ई रिक्शा, चमनपुर में इनको बैठाया गया है, चमनपुर से कहीं ना कहीं इनको सिंगड़ाया ले जाया गया। हमने जब इनसे बात किया तो ये ई रिक्शा के जो चालक है जो हाँक रहे थे उनका, हम इन मजदूरों से पूछा कि आपसे कितना भाड़ा लिया गया है ई रिक्शा चालक से। आप हमारे सामने, हम पूछ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर, आपसे कितना भाड़ा लिया गया? 150। आपने 150 रुपये क्यों भाड़ा दिया है? तीन आदमी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं चमनपुर से जो सिंगड़ैया कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी होगी, वहाँ से 150 रुपया तीन आदमी का भाड़ा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये, अगर हम ये अहम बात कहें कि अन्य दिनों के तौर पर ये भाड़ा ऐसी नहीं थे, मगर जो भी प्रवासी मजदूर आ रहा है कहीं से, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा भाड़ा वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे कहने का मतलब ये है कि जो प्रवासी मजदूर अगर बाहर से आ रहे हैं उनके, ऐसे तो आम तौर पर उसके पास पैसा ही नहीं है, मगर जो ई रिक्शा चालक है कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, हमारे कहने का मतलब यह है। कहाँ मकान है? रिक्शा भाड़ा करके आ रहे हो? बोलो भाई, रिक्शा भाड़ा करके आओ। मतलब रिक्शा वाले ने कितना पैसा लिया है? बोलो, रिक्शा की तरफ नहीं था को, तुम हमको बोलो ना। 150 कितना लिया? 150 रुपये लिया है। हाँ भैया बताइए, मतलब अन्य दिनों के तौर पर कितना भाड़ा है आपका आने का यहाँ? अन्य दिनों के तौर पर कितना भाड़ा है? डबल लेके जाना है। डबल लेके जाना है तो कितना अन्य दिनों के तौर पर कितना कितना पैसा लेना है आप ही बताइए ना अपने मुँह से। रिजर्व में जा रहे हैं। तो रिजर्व में जा रहे हैं तो आप कितना पैसा ले रहे हैं? 150 रुपया। मतलब 150 रुपया ले रहे हैं जी। जाना कहाँ है आप लोगों? सिंगाई। सिंगाई जाना।